गाइस इस आईडी पे एक टाइम पे बहुत सारा टॉप अप हुआ है एंड तब ये बंदा दिन रात गेम खेला करता था, लेकिन अब मैं आप लोगों को इसका प्रोफाइल जैसे ही दिखाऊंगा तो आप लोग शॉक रह जाओगे, क्योंकि यहाँ पे देखो बंदे ने गेम क्विट कर दिया है। और ये नहीं कि बंदे ने ऐसे ही शौक के लिए गेम क्विट किया है, बल्कि इस बंदे के साथ एक बहुत ही बुरा घटना हुआ है जिसे अगर आप लोग सुन लोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो सबसे पहले तो हम लोग इसका स्टोरी सुनेंगे, देन फिर इसका कलेक्शन देखेंगे, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को इसका स्टोरी सुनाऊंगा तो आप में से काफी सारे ऐसे बंदे होंगे जो लोग टॉप अप करते होंगे वो लोग टॉप अप करना छोड़ सकते हैं और इसका स्टोरी सुनके काफी ज्यादा मोटिवेट हो सकते हैं। सो अब चलिए इस बंदे का स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। बात है सिर्फ 3 साल पहले की, तब अक्से फ्री फायर में नया नया प्लेयर था, मतलब कि उसने नया नया गेम डाउनलोड किया था एंड वो उसी को दिन रात खेला करता था। बट इसके पापा को ये सब देख के काफी गुस्सा आता था और वो हमेशा अपने बेटे को डांटा करते थे। फिर एक दिन हुआ ये कि अक्से खाना खा के सीधा अपने बेड पे चला गया एंड फोन देख के रात भर फ्री फायर खेलने लगा, तो अक्से को मम्मी पापा दोनों मिलके बहुत डांटने लगे। तब ये भी डर के मारे फोन रख के सो गया एंड सुबह होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि ये स्कूल जाने से पहले भी फ्री फायर खेला करता था और हमेशा फ्री फायर खेल के स्कूल जाया करता था। तब अक्से के पापा अक्से को गेम में एडिक्ट होते हुए देख के अपनी पत्नी को कहने लगे कि अब हमारे बेटे को हॉस्टल में रख देंगे तो उसको फोन चलाने का मौका भी नहीं मिलेगा और वो सुधर भी जाएगा। फिर उसके एक दो हफ्ते बाद ही अक्से के पापा ने अक्से को हॉस्टल में डाल दिया एंड अक्से वहीं पे रह के पढ़ाई करने लगा। तब 2-4 दिन तो अक्से को बहुत सैड फील हो रहा था, पल पल उसको अपना घर का याद आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतती गई वैसे वैसे अक्से का माइंड चेंज होते गया, तो अक्से वहीं पे आराम से बैठ के पढ़ाई करने लगा। और अक्से को जब रात को फोन मिलती थी तो अपने पापा को कॉल किया करता था और रोज अपना घर का हालचाल पूछा करता था, लेकिन बेचारे को फ्री फायर भी खेलने का बहुत मन करता था तो वो रात को चुप चुप के 11 बजे तक फ्री फायर खेला करता था, क्योंकि सुबह 4 बजे ही उठना होता था तो वो उतनी रात तक फ्री फायर खेल नहीं पाता था। फिर ऐसे ही करते करते कई दिन बीत गए तो उस हॉस्टल पे और भी बहुत सारे नए नए बंदे आने लगे जो ऑलरेडी फ्री फायर खेला करते थे एंड वो लोग भी चाहते थे कि हम भी दिन रात फ्री फायर खेल पाए। बट हॉस्टल पे ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि टाइम टू टाइम क्लास करने जाना पड़ता था और जो भी टाइम पे नहीं आता था उसे पनिशमेंट दिया जाता था एंड इसी कारण सब लोग साथ में मिलकर रात को चुप चुप के फ्री फायर खेला करते थे। तो एक दिन हुआ ये कि अक्षय के रूम में और 2-3 ओवरस्मार्ट बंदे आए जो खुद को बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड समझते थे और रात भर किताब लिए इधर उधर घूमते हुए पढ़ा करते थे। लेकिन उस दिन अक्षय और अक्षय के दोस्त मिलकर फ्री फायर खेलने लगे तो वो लोग कहने लगे मत खेलो यहाँ पे, हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन अक्षय और अक्षय के दोस्त कहाँ सुनने वाले, वो तो और ज्यादा साउंड बढ़ा के फ्री फायर खेलने लगे, तो वो बंदे रात को एक टीचर को जाके कंप्लेन करने लगे। एंड जैसे उन बंदों ने अक्षय और अक्षय के दोस्त के ऊपर कंप्लेन किया तो टीचर एकदम गुस्से से अक्षय के रूम में आए और दरवाजा खटखटाने लगे। तो टीचर को आते देख अक्षय और अक्षय के दोस्त ने जल्दी जल्दी अपना फोन छुपाया और सोने का नाटक करने लगे, लेकिन फिर भी टीचर खुद से ही दरवाजा खोल के रूम के अंदर घुस गए तो अक्षय ने एक भी आवाज नहीं निकाला, मानो वो बिल्कुल नींद में है, ऐसा नाटक करने लगा। फिर उस दिन तो सब लोग बच गए, लेकिन वो 2-3 ओवर स्मार्ट बंदे अक्षय और अक्षय के दोस्त के एकदम से दुश्मन बन गए और झगड़ा करने लगे। अब दूसरा दिन भी अक्षय और अक्षय के दोस्त फ्री फायर खेलने लगे तो वो बंदे फिर से कंप्लेन कर देंगे बोल के धमकी देने लगे। तो अक्षय और अक्षय के दोस्तों ने मिलकर उन ओवर स्मार्ट बंदों को बहुत मारा, जिसके बाद सुबह अक्षय और अक्षय के दोस्तों को ऑफिस रूम में बुलाया गया और टीचर ने इन लोगों को कहा अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसी हरकतें की तो हम तुम लोगों को इस हॉस्टल से घसीटते हुए बाहर निकाल देंगे। मतलब कि टीचर ने इन लोगों को लास्ट वार्निंग देके छोड़ दिया। फिर इसके बाद मामला एकदम से शांत हो गया, लेकिन अक्षय का एक दोस्त था जो फ्री फायर में पूरी तरीके से एडिक्ट हो चुका था तो वो हॉस्टल से निकलने की बातें करने लगा, क्योंकि उसको रात में भी फ्री फायर खेलने नहीं दिया जाता था। तो बंदे को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो दूसरे ही दिन पीछे वाली गेट से छलांग लगा के अपना घर भाग गया। तब उसको देख के अक्षय को भी भागने का बहुत मन किया और वो मनी मन सोचने लगा कि आज रात तो मैं भी भाग जाऊंगा। लेकिन जैसे वो बंदा हॉस्टल से भागा तो दूसरे ही दिन हॉस्टल में पूरा हड़कंप मच गया और हॉस्टल की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। और तब अक्षय और अक्षय के दोस्तों को चुपचाप बैठ के वहीं पे पढ़ाई करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला, तो वो लोग 2 दिन तक चुपचाप बैठे रहे। लेकिन तीसरे दिन सब लोग मिलके फिर से रात को फ्री फायर खेलने लगे तो वो बंदे फिर से कहने लगे कि अरे यार बंद करो, हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, वरना फिर से कंप्लेन कर देंगे। फिर इतना सुनने के बाद अक्षय को आया बहुत गुस्सा एंड उसने उस बंदे को रात के करीब 2 बजे उठ के तकिया से दबा के मारने की तक कोशिश की, लेकिन जैसे वो बंदा छूटा तो पूरा चिल्लाने लगा एंड सारे सिक्योरिटी भी अक्षय के रूम में आ गए। तब उस बंदे ने सीधा बता दिया कि इन लोगों ने मुझे रात के 2 बजे तकिया से दबा के मारने की कोशिश की। फिर उसके अगले ही दिन अक्षय और अक्षय के दोस्तों को हॉस्टल से निकाल दिया गया एंड वो लोग अपना अपना घर आ गए। तब अक्षय के पापा ने अक्षय को बहुत मारा, नालायक कहा, मतलब जो मुंह में आया सब कुछ बक दिया। फिर उसके 1 महीने बाद अक्षय पूरा फ्री फायर खेलने लगा, क्योंकि तब अक्षय के पापा भी अक्षय को नालायक कह के कुछ भी नहीं कहते थे तो वो उसी का फायदा उठा के दिन रात फ्री फायर खेला करता था और अपनी मम्मी को झूठ बोल के हर महीने पैसा मांगा करता था एंड उन्हीं पैसों में से टॉप अप करता था। फिर ऐसे ही करते करते अक्षय ने अपनी आईडी पे बहुत सारा टॉप अप किया एंड वो गेम में पूरा एडिक्ट हो गया। लेकिन ज्यादा गेम खेलने के वजह से उसकी मुंडी टेढ़ी होने लगी, क्योंकि वो हमेशा फोन पे ही देखा करता था तो ऑब्वियसली बात है हर किसी का मुंडी तो टेढ़ी होगी। आप लोगों का भी हुआ होगा, अगर हुआ है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, मेरा तो ज्यादा
ज्यादा लेट के गेम खेलने के वजह से पीछे का पूरा शरीर ही बैन हो गया। अगर आप लोगों ने मुझे कभी रियल लाइफ में देखा है तो जरूर से इस बात को नोटिस किया होगा। एंड इसी तरह अक्षय का भी मुंडी टेढ़ी देख के अक्षय की मम्मी कहने लगी, तू चल मेरे साथ डॉक्टर के पास, क्या हुआ है तुझे। और तब जैसे अक्षय की मम्मी अक्षय को लेकर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो चुकी है और मुंडी तो अब पूरी तरीके से बैन हो चुकी है। अब ये सब सुन के अक्षय की मम्मी वहीं पे रोने लगी और कहने लगी, तू क्यों इतना फोन चलाता है, मत चलाना, इससे तेरा नुकसान ही हो रहा है। लेकिन अक्षय कहाँ मानने वाला, वो तो घर में आके फिर से फ्री फायर खेलने लगा। एंड जैसे उसकी मम्मी ने सारी बातें अक्षय के पापा को बताई तो अक्षय के पापा वहीं पे जाके अक्षय को बहुत मारने लगे और उसका फोन भी तोड़ दिया। तो अक्षय को बहुत गुस्सा आया और वो रात को रोड पे जाके कहने लगा कि अब तुम लोगों ने मेरा फोन तोड़ दिया ना, देखो अब मैं कैसा मरता हूँ। मतलब वो अपनी मम्मी पापा को पागलों की तरह धमकी देने लगा और उसने एक गाड़ी के ऊपर छलांग लगा के मरने की कोशिश भी की, बट उसे टाइम पे हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो बच गया और इसी कारण उसे 3 महीना गेम को छोड़ना पड़ा। सो देखा आपने, ज्यादा गेम खेलने से क्या क्या हो सकता है। इसीलिए तो मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि गेम को बस लिमिट में खेला करो और टॉपअप तो बिल्कुल भी मत करो। सो कॉमेंट में #NoTopUp लग जाना चाहिए। सो अब हम लोग इसका कलेक्शन देखेंगे जो कि बहुत ही रियर है। एंड यहाँ पे मैं आ चुका हूँ इसके आईडी पे। एंड यहाँ पे देखो इसका कलेक्शन जो कि भाई इतना तगड़ा है कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहले हमें ये वाला इंक्यूबेटर का लास्ट वाला बंडल देखने को मिल जाता है जो कि एकदम ठीक ठाक है। एंड यहाँ पर आप लोग कोबरा बंडल भी देख सकते हो जो कि बहुत ही ज्यादा रियर है। मतलब ये कोबरा बंडल ज्यादा महंगा होने की वजह से कुछ गिने चुने बंदों के पास है। एंड ये वाला बंडल भी आप लोग देख सकते हो जो कि दिखने में एकदम ही ठीक ठाक है। दूसरा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसका हेयर काफी अच्छा लगता है मुझे। एंड ये भी शायद से हमारा इंक्यूबेटर का ही बंडल हो सकता है। इंक्यूबेटर से याद आया कि आप लोगों ने आज का ग्लिच का यूज करके इंक्यूबेटर का न्यू बंडल निकाल लिया। मैंने तो निकाल लिया भाई और 100 ब्लू प्रिंट भी कर लिया। मतलब कि भाई मजा आ गया। मैंने कभी भी इंक्यूबेटर का टॉप वाला बंडल नहीं निकाला था, लेकिन इस बार मैंने टॉप वाला भी निकाल लिया और सेकंड वाला भी निकाल लिया। लिटरली भाई इस ग्लिच को यूज करके मजा ही आ गया। लेकिन अब कुछ दिन बाद गरीना इन सभी बंडल को वापस भी ले सकता है। लेकिन बंडल लेगा या नहीं लगा ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो ब्लू प्रिंट हम लोगों ने इकट्ठा किया है उसको ले जा सकता है। ब्लू प्रिंट तो 100% ले जाएगा, लेकिन बंडल का उतना चांसेस नहीं है। ले भी जा सकता है, नहीं भी ले जा सकता है। खैर ले भी गया तो कोई बात नहीं, जब तक वो ले जाएगा तब तक हम इसको पहन के अपना शौक पूरा कर लेंगे। बात तो सही है। खैर अब आप लोग यहाँ पे इसका कलेक्शन देखो जो कि बंदे के पास ये वाला मास्क भी है। एंड यहाँ पर टी शर्ट कलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों ने देख लिया इसके पास एंजेलिक पैंट का सबके सब पूरा बंडल है। एंड यहाँ पे आप लोग टी शर्ट का कलेक्शन भी देख सकते हो जो कि बहुत सारे टी शर्ट है भाई। फुल बंडल की बात करें तो सबसे पहले हमें इसके पास ये हाथी जैसा बंडल दिख जाता है जो कि काफी बड़ा लगता है। एंड दिखने में बहुत ही खतरनाक दिखता है। आपको कैसा लगता है कॉमेंट में जरूर से बताना। मुझे उतना ठीक तो नहीं लगता है, बस ठीक ठाक कह सकते हो। एंड दूसरी बंडल की बात करें तो इसके पास ये ब्लू वाला बंडल है और ब्लैक निंजा भी है। बाकी अब हम लोग इसका इमोट कलेक्शन देखते हैं। एंड यहाँ पे देखो भाई इसके पास इमोट कलेक्शन क्या ही खतरनाक है। बंदे के पास दिल वाला इमोट भी है, रोज इमोट भी है, और रोज इमोट तो कितना ज्यादा रियर है आप लोगों को पता ही होगा। मतलब कि इसके पास जितना भी लव वाला इमोट है सबके सब है, बस इसके पास थ्रोन इमोट नहीं है और फ्लैग इमोट नहीं है। एंड आप लोग नीचे भी देख सकते हो इसके पास बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे इमोट पड़े हुए है। सो अब हम लोग इसका अदर कलेक्शन देखते हैं। एंड यहाँ पे देखो भाई इसके पास कितना सारा ब्लू प्रिंट है, मतलब कि ब्लू प्रिंट का भंडार है। 2-3 ब्लू प्रिंट ऐसे ही पड़े हुए। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बंदे के पास इतना ब्लू प्रिंट होने के बावजूद भी इसने बंडल क्यों नहीं निकाला। शायद से इसके पास स्टोन कम पड़ गए होंगे इसलिए नहीं निकाला होगा। सो अब हम लोग इसका गन कलेक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि इसके पास कितना इवो गन है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इसके पास 5-5 इवो गन है। मतलब कि बंदे ने इस आईडी के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया है। एंड यहाँ पर राइफल कलेक्शन आप लोग देख सकते हो, इसके पास M4A1 का टोटल 6 स्किन है। एंड सबसे पहले हमें ये वाला स्किन देखने को मिल जाता है जो कि मुझे ये वाला स्किन बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर से बताना। AK की स्किन की बात करें तो इसके पास AK का टोटल 11 स्किन है। एंड सबसे पहले हमें ड्राको AK देखने को मिल गया और ये वाला AK का स्किन भी बहुत ही अच्छा था। एंड यहाँ पे आप लोग स्कार का स्किन देख सकते हो जो कि बंदे के पास फुल मैक्स है। सच कहूं तो मुझे स्कार गन उतना अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं बाकी बंदों को ये गन क्यों इतना अच्छा लगता है, बस इसका साउंड ही मुझे पसंद नहीं है। मतलब की बहुत ज्यादा शोर करता है, इसलिए मैं इसको यूज ही नहीं करता हूँ। बस मेरा फेवरेट तो M4A1 है, आप लोगों का भी होगा। तो अब हम लोग आ चुके हैं SMG कलेक्शन पे। एंड UMP कलेक्शन की बात करें तो इसके पास UMP का टोटल 7 स्किन है, MP5 का 6 स्किन है और BSS का भी 1 स्किन है। लेकिन यहाँ पे आप लोग MP40 का कलेक्शन देखो जो कि बहुत ही तगड़ा है भाई। सबसे पहले हमें इसके आईडी पे पोकर MP40 देखने को मिला और पोकर MP40 का क्रेज क्या ही था भाई एक टाइम पे, आप लोगों को पता ही होगा। एंड इसके पास कोबरा MP40 भी है। बाकी ये आप लोग देख सकते हो ये भी पोकर MP40 का छोटा भाई है और ये वाला भी ठीक ठाक है। ये दूसरा जो बिल्कुल ही नॉर्मल की तरह दिखता है ये तो बिल्कुल ही बेकार है, लेकिन ये गोल्डन वाली बहुत ही अच्छा है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो P90 का स्किन, P90 का भी इसके पास
इनक्यूबेटर वाला स्क्रीन है जो कि काफी तगड़ा है, मतलब कि अच्छा खासा दिखता है। शॉटगन कलेक्शन की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, शॉटगन का इसके पास उतना अच्छा खासा कलेक्शन नहीं है, लेकिन इसके पास M1887 का तीन बहुत ही तगड़ा स्क्रीन है। सबसे पहले ये अतरंगी बहुत ही खतरनाक वाला स्क्रीन देखने को मिलता है, एंड उसके बाद ये वन पंच मैन वाला भी इसके पास स्क्रीन है, और ये तीसरा वाला भी बहुत ही अच्छा है, मतलब कि इसका रेंज बहुत ही खतरनाक है। सो अब हम लोग इसका ग्लूअल का कलेक्शन देखते हैं, एंड ग्लूअल कलेक्शन की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसके पास ग्लूअल का टोटल 15 स्क्रीन है, मतलब भाई बहुत ज्यादा स्क्रीन है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छे अच्छे स्क्रीन है। तो आज का वीडियो इतना रहा, होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग भी नो टॉपअप को सपोर्ट करते हो तो कॉमेंट में #NoTopUp लिख के वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अगर हो सके तो एक दो शेयर भी कर देना, क्योंकि इससे हमें नो टॉपअप को बढ़ावा देने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। सो एक शेयर तो बनता है मेरे भाई, कर दो यार, कुछ भी नहीं जाता। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना रहा, बाय।